लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब तस्कर हुए सक्रिय। विगत दिनों से लगातार शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बेटमा पुलिस ने देशी मसाला अवैध शराब कुल 14 पेटियां तथा एक पेटी अंग्रेजी आरएस की शराब जिसकी कीमत तकरीबन 90,000 रुपए तथा एक कार टियागो नंबर MP09WB3877 जब्त की गई। बेटमा थाना निरीक्षक श्री संजय शर्मा व उनकी टीम द्वारा मुखबिर द्वारा सूचना मिली, एक सफेद रंग की टियागो कार अवैध शराब लेकर धार तरफ से इंदौर जा रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा का पीछा करते हुए ललेडीपुरा जंगल खदान के पास उक्त कार की घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें कार चलाने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बंटी पिता मेघनाथ सोनवा ने जाति नाई उम्र 24 वर्ष निवासी शुभम पैलेस गली नंबर 1 छोटा बांगड़दा थाना एरोड्रम जिला इंदौर तथा कार में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शुभम पिता संतोष वर्मा जाति कोरी उम्र 23 वर्ष निवासी मरीमाता का बगीचा थाना जूनी इंदौर का होना बताया। आरोपियों से कुल 14 पेटी देशी मसाला तथा एक अंग्रेजी आरएस शराब कुल कीमत 90,000 रुपए व एक कार टियागो नंबर MP09WB3877 को विधिवत जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है व पूछताछ जारी है। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। आज सुबह प्रभात गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि धार तरफ से एक टाटा टियागो कार में अवैध रूप से शराब इंदौर तरफ जा रही है। सूचना पर तत्काल अमराई फोर्स आरक्षक मुकेश और कमलेश के साथ रवाना होकर हिमाचल में नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी टाटा टियागो आती दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया, जो लेलड़ीपुरा रोड तरफ मुड़ गई, नाकाबंदी कर घेराबंदी करके पकड़ा, चेक करा तो उसके अंदर 14 पेटी मसाला शराब की व एक पेटी आरएस अंग्रेजी शराब की मिली व दो आरोपी उसके अंदर बैठे पाए गए, जिनमें एक का नाम बंटी पिता मेघनाथ सोनवा ने निवासी इंदौर और दूसरा सोम पिता संतोष वर्मा निवासी इंदौर, दोनों इंदौर के रहने वाले। सर, इन दोनों पे केस किन किन धारा पे मामला दर्ज होगा? दोनों पे धारा 34(2) आबकारी एक्ट व 188, 269 IPC तहत हमारे द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी दो एक दिन पहले हमारे द्वारा 8 पेटी शराब और पकड़ी गई, इसके पहले भी पकड़ी गई, और एक शराब की गाड़ी का पीछा किया जो देपाल में पकड़ा गई। हमारे द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं और गहरी नाकाबंदी करके उसको रोकने का प्रयास किए जा रहे हैं, और संभवतः रोक भी लिया है, पर कुछ इक्के दुक्के निकल रहे हैं, इनको भी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ेंगे उनको। Subscribe now to most exciting channel ever.